वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे लर्नर। मोर यूट्यूब चैनल डीजे लर्नर को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज लेसन पढ़ा द एप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। आ भितर पढ़ा प्रथम लेसन रे ट्रेडिशनल एप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। जे पूर्णतः राजनीति अध्ययन जो पारंपरिक पद्धति से विषय आज पढ़ा जहाँकि प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर कोर फाइव पेपर अच्छे। पूर्णतः राजनीति अध्ययन क्षेत्र में अनेक पद्धति राजनीति विज्ञानी माने अवलंबन करती। गोटी राष्ट्र संविधानिक व्यवस्था और अनुष्ठान गुड़ी को अध्ययन करदे राजनीति विज्ञान अध्ययन शेष हुए ना। एथपाई आजिकल राजनीति विशारद माने जनसाधारण और गोष्ठी गुड़िक राजनैतिक आचरण और राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक बेस गोष्ठी विषय ध्यान दे था। दि स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स इज नॉट कंप्लीटेड विथ द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ओनली, बट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट गिव इम्फोसिस अपॉन द स्टडी ऑफ द पीपुल, द बिहेवियर ऑफ पीपुल एंड द डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दी थिंग्स शुड बी स्टडीड इन द परव्यू ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। सो राजनैतिक अध्ययन को वास्तवधर्मी और तुलनात्मक करने लगे मानविक अभिज्ञता विस्तृत अंचल को अध्ययन कैशलभूत करने लगे यही पद्धति गुड़िक अवलम्बन करा जाए। साधारणतः तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करने दुईट पद्धति अवलम्बन करा जाए, ताला गोटे ट्रेडिशनल एप्रोच अन्यटी है मॉडर्न एप्रोच। से दुईट पद्धति है गोटे हूँ पारंपरिक पद्धति अन्यटी हूँ आधुनिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति मूल्ययुक्त पद्धति व्यवहृत हुए। द वैल्यू सिस्टम इज देयर इन द ट्रेडिशनल एप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स, बट किंतु मूल्यबोधयुक्त पद्धति परीक्षा सिद्ध अटे। सो वैल्यू एडेड एप्रोच इज एक्सपेरिमेंटेबल। पारंपरिक पद्धति ऊनविंश विंश शताब्दी विशेष लोकप्रियता हासिल करता। प्लाटो, आरिस्टोटल, माकियाभेली, हॉब्स, थॉमस हॉब्स, हीगल, बेंथम, ग्रोसियस, ऑस्टिन प्रमुख ए पद्धति पृष्ठपोषक अटंती। सो दि ट्रेडिशनल एप्रोच बिकम पॉपुलर इन 19th एंड 20th सेंचुरी। द फिलोसोफर्स लाइक प्लाटो, आरिस्टोटल, माकियाभेली, थॉमस हॉब्स, हीगल, जर्मी बेंथम, ग्रोसियस, ऑस्टिन एक्सेट्रा दिज पॉलिटिकल फिलोसोफर वर द एडवोकेट्स ऑफ दिज ट्रेडिशनल एप्रोच। यही दार्शनिक मान विभिन्न राष्ट्र राजनीतिक अनुष्ठान अध्ययन गुरुत्व आरोप करते और भिन्न भिन्न राष्ट्र राजनैतिक अनुष्ठान तुलन में तुलना करते। सो दिज पॉलिटिकल फिलोसोफर स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। दे ऑल्सो कंपेयर वन पॉलिटिकल सिस्टम विथ अदर पॉलिटिकल सिस्टम एंड मेक ए पॉलिटिकल एनालिसिस। तुलनात्मक पद्धति अनुसरण अनुन्नत और प्रगतिशील राष्ट्रगुड़िक राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िक प्रति अवहेला प्रदर्शन कर। सो यो इन द कंटेम्पोररी और इन द ट्रेडिशनल एप्रोचेस देयर इज द लेस इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ
developed or underdeveloped countries. But in the modern, approach gives emphasis to the study of political system or political institution of developing or underdeveloped countries. So today, now we shall discuss about traditional approaches to study of comparative politics. There are a number of approaches are included in the traditional approach. They are philosophical approach, secondly historical approach, and other approach. First of all, we shall discuss about the philosophical approach or philosophical approach, but darshanika paddhati ba philosophical approach. Philosophical approach is one of the important approaches, traditional approaches to the study of comparative politics. तुलनात्मक राजनीति अध्ययन क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक पद्धति मानक मध्य दार्शनिक पद्धति हूँ अति प्राचीन पद्धति. दि फिलोसॉफिकल एप्रोच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स. दि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स लाइक प्लाटो, रूसो, हीगल, कांट फॉलो द फिलोसॉफिकल एप्रोच टू स्टडी द कंपेटिटिव पॉलिटिक्स. सो यही दार्शनिक माने राष्ट्रर प्रकृति उद्देश्य निरीक्षा कला बेले किसी धारणा और सिद्धांत को विचार को यही पद्धति राष्ट्र सरकार नैतिकता मानवीयता आदि मुख्य संपर्क आभिमुख्य संपर्क अध्ययन करद्धति राजनीति कल्पना विलासी होता है. कौन सी अनुष्ठान प्रकृति लक्ष्य और मध्यम मध्य दार्शनिक पद्धति अनुधान कै. So the philosophical method review the all political institutions, it is nature and objectives, objective and ends, and the different relations between ends and means. So on this ground, the philosophical method is all philosophical approach is appropriate for the study of comparative politics. यही पद्धति प्रवक्ता मैंने शासक शासित मान को जीवन जापन समय परामर्श दे था. पद्धति कल्पना प्रसूत और उद्भट अधे अटे मैंने सम क्रिटिक्स क्रिटिसाइज दैट द फिलोसॉफिकल एप्रोच इज आइडियल और इज नॉट रियल. यह वास्तव ठार अनेक दूर था. इट इज वेरी अवे फ्रॉम द रियलिटी. इट इज यही पद्धति नीतिशास्त्र सूत्र पर आधारित. सो दिस एप्रोच डिपेंड्स अपॉन एथिक्स और मोरालिटी. नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल एप्रोच और ऐतिहासिक पद्धति. यह तुलनात्मक राजनीति अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त अन्यतम पारंपरिक पद्धति अटे. इट इज अल्सो एन इम्पोर्टेंट अनदर ट्रेडिशनल एप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स. द फिलोसफर्स लाइक अरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, मार्क्स, हीगल फॉलो दिस हिस्टोरिकल एप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड अल्सो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स. एम ऐतिहासिक मान जो विभिन्न दार्शनिक यथा राजनीति विज्ञान जनक अरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, हीगल इति प्रमुख यही दार्शनिक मान ऐतिहासिक पद्धति प्रवक्ता अटंती. एम ऐतिहासिक घटना उपादान प्रचलित परिस्थित को अनुधान कर भविष्य लगे पदक्षेप ग्रहण करतीर उद्देश्य कार्य उपलब्ध विफलता ऐतिहासिक घटनावल परिवर्तन संपर्क आलोचना कर पद्धति तुलनात्मक राजनीति विकास होता है. ऐतिहासिक पद्धति अनुसार गोटी राष्ट्र सामाजिक अर्थनैतिक समस्या परिस्थिति दार्शनिक जो प्रभाव पकाए से राजनीति तत्व सृष्टि हुए. सो the historical approach, according to the historical approach, the social, economic, political situation of the country influence upon the philosopher or political theorist or political scientist to frame or to make the political theory. प्राचीन ग्रीक सामाजिक आर्थिक अवस्थारु प्लाटो, अरिस्टोटल एवं सक्रेटिस सृष्टि. सो दि एनसीएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स
द एंशियंट ग्रीक सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट द फिलोसोफर्स लाइक प्लाटो एंड अरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस। नेक्स्ट दैट इज द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का अनुष्ठानधर्मी पद्धति। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। अनुष्ठानधर्मी पद्धति अन्य भाषा सांगठनिक पद्धति कहा जाए। अरिस्टोटल पॉलिबियस यही पद्धति प्राचीन पृष्ठपोषक माने द फिलोसोफर्स लाइक अरिस्टोटल पॉलिबियस द एंशियंट एडवोकेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सो इन द मॉडर्न टाइम लॉर्ड ब्राइस एंड फाइनर वर द एक्सपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच। दे मेक पॉपुलर टू दिस अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। यही पद्धति में गवेषक मैंने कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं कार्यकल्प राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िक संपर्क अध्ययन करते राजनैतिक दल चाप गोष्ठी मध्य आलोचना करते किंतु यही पद्धति को मध्य समालोचक मानी समालोचना करती जपरिक यही पद्धति व्यक्तिगत उद्यम और भूमिका को अवहेला करें। अंतर्जातीय नीति प्रति मध्य आवश्यक मते ध्यान दे न था। यही दृष्टि अनुष्ठानधर्मी पद्धति बा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समालोचना करें। नेक्स्ट हूँ वैज्ञानिक पद्धति वैधानिक पद्धति दैट इज लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच लीगल अप्रोच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करने क्षेत्र में वैधानिक पद्धति हूँ अन्य एक पद्धति। यही पद्धतिर पृष्ठपोषक मानी न्यायिक संगठन गठन क्षमता स्वाधीनता संपर्क आलोचना करते। दि एडवोकेट्स और प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस अप्रोच गिव इम्फासिस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियरी एंड देयर पावर एंड देयर इंडिपेंडेंस। प्राचीन जुगरे सिसेरो आधुनिक जुगरे डाइस यही पद्धति प्रभाव अटंती। द सिसेरो इन द एंशियंट टाइम एंड डाइस इन द मॉडर्न टाइम वर द एक्सपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच। वैधानिक पद्धति राष्ट्र को आईन प्रणयन और प्रयोगकारी संगठन रूप वर्णना करें। ब्रिटिश दार्शनिक बेंथम ऑस्टिन सर मैन हेनरी ए भी डाइस प्रमुख यही पद्धतिर प्रवक्ता। दि फिलोसोफर्स लाइक जर्मी बेंथम ऑस्टिन सर हेनरी मैन ए भी डाइस एक्सेट्रा आर द एडवोकेट और एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोच। जो क्यों परिस्थिति में कि पदक्षेप ग्रहण कर आवश्यक से विषय आईन दिग्दर्शन देखाए। जो राष्ट्र लोक मान आईन अनुभूति सेठारी लोक मान व्यवहार संपर्क पूर्वानुमान करवा सहज होता है। नेक्स्ट हूँ यही पद्धति संकीर्ण धर्मी अटे। यही पद्धति संकीर्ण धर्मी अटे। आईन केवेहले राजनैतिक कार्य आचरण को संपूर्ण नियंत्रण कर न था। यही पद्धति राजनैतिक व्यवस्था को न्यायिक अनुष्ठान रूपांतर कर। नेक्स्ट हूँ बाह्य गठन पद्धति बा कॉन्फिगरेटिव अप्रोच। कॉन्फिगरेटिव अप्रोच इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। यही पद्धति में राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था को एक स्वतंत्र संगठन रूप विचार करा जाए। प्रति राजनीतिक व्यवस्था राज्य अनुष्ठान गुड़िक मध्य तुलना आलोचना करा जाए। विभिन्न राष्ट्र सरकार संगठन विषय विचार करा जाए एवं सेगुड़िक मध्य सादृश्य भेदभाव को निरीक्षा करा जाए। सो दिस इज द कॉन्फिगरेटिव अप्रोच। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट लेसन वी शैल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच।